सूचना ते प्रसारण मंत्रालय टैलीविजन लेके नवी शुरुआत करन जा रहा है। इस दे लॉन्च होने तो बाद लोग बिना सेटअप बॉक्स या मुफ्त डिश के 200 तो वध चैनल तक पहुँच कर सकणगे। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टैलीविजन सैट बनाने समय सैटेलाइट ट्यूनर लगाने की कोशिश की जा रही है। इस कदम नाल हुण दर्शक बिना किसी डिश के 200 चैनल देख सकणगे। मंत्री ने कहा फ्री डिश से आम मनोरंजन चैनल का बहुत विस्तार हुआ है जिसने करोड़ों दर्शकों को आकर्षित भी किया। जानकारी देंदे मंत्री ने दसिया कि मैं अपने विभाग च नवी शुरुआत की है, जेकर अजिहा शुरू हो जाता है तो लोगों को मुफ्त डिश की लोड़ है जो नहीं पवेगी। हुण सूचना और प्रसारण मंत्रालय वालों टैलीविजन के बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर लगाने की तैयारियां की जा रही ने। इसका मतलब कि जेकर थोड़े टैलीविजन यह चीज़ पहले ही मौजूद है तो थानू टीवी तो इलावा मुफ्त डिश या सैटअप बॉक्स खरीदने की लोड़ नहीं होएगी। रिमोट के क्लिक से 200 तो वध चैनल है जो देख सकते हो। मंत्री ने भी स्पष्ट किया है इस मामले के फिलहाल अजे तक कोई फैसला आया नहीं, आना बाकी है। पर इस तो अलावा अश्वनी वैष्णव नू टैलीविजन निर्मातावान ने सैटेलाइट ट्यूनर लिए उद्योगिक म्यार ब्यूरो द्वारा जारी किए मापदंडों अपनाने लिए निर्देश जारी करने लिखा है। बुलेट इन सैटेलाइट ट्यूनर वाले टैलीविजन सैट घर की छत या कंध वर्गी ढुकवीं थां ते छोटा एंटीना लगा के फ्री टू एयर टैलीविजन और रेडियो चैनल सुविधावां तक पहुँच में समर्थ बनाएंगे। इस समय लोगों को होर चैनलों का लाभ लैण लई सैटअप बॉक्स डिश की लोड़ है। फ्री टू एयर चैनल का प्रसारण डिजिटल सैटेलाइट ट्रांसमिशन की वरतों करदिआं जारी रहेगा।